भी हम ये सोच रहे हैं कि 4 आना जो है आज़ादी हमें मिली है, अभी 75 पैसे हम गुलाम ही हैं। नहीं, आपको वास्तविकता विपक्ष का कार्य लड़े ना, जिसके लिए लड़ा जाता है ना, तो हमारा देश सोने की चिड़िया नहीं, सोने की हाथी नहीं। बोलो जय जय सीताराम। आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए, फिर भी आप जी रहे हो। मरोगे तो लेकिन कुत्ते की मौत मरोगे। ज्ञानवापी आप ये नहीं समझ रहे, जिसका नाम ही ज्ञानवापी आप कह रहे हो, वो वहाँ मस्जिद का नाम कैसे आ सकता है? वो जब चाहेंगे तभी अपने प्राण को त्यागेंगे। किसी के माई के लाल में ताकत नहीं है कि उनको कोई गोली बंदूक या कोई चीज आपको मार सके। बोलो जय जय सीताराम। मजहब मीन्स बांटना हो जाता है, धर्म मीन्स एकता हो जाती, एकाग्रता वहां कुछ रह ही नहीं जाता। आई तो बहुत सरकारें, वो भी कर सकते थे, लेकिन वो क्यों नहीं किए? वो उनमें वो सीना नहीं थी, उनमें वो जान नहीं थी, उनमें वो त्याग नहीं था। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए संविधान को नष्ट करने का, ये गोली चलाने का मतलब था संविधान को नष्ट करना। बोलो जय जय सीताराम। अब आप मेरे से बात कर रहे हो, ऐसी कुछ बातें ना करो जिससे कि हम और ज़्यादा कुछ बोल जाएं भावुक होकर, क्योंकि आम मानव हैं हम, परमात्मा के। कैसा व्यवस्था यहाँ प्रयागराज में आप देख रहे हैं? क्या व्यवस्था योगी जी दिए हैं आप? जब से योगी जी का राज आया है तो हर जगह जो हमारी सांस्कृतिक सभ्यता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सुचारू रूप से सभ्यता आई है। पिछली सरकार भी मतलब यहाँ मेला लगाती थी। हम लोग सरकार माने जान ही नहीं पाए कि हम कभी सरकार में, हम लोग हमेशा गुलाम ही थे, हमें ऐसा लग रहा था। आज 2014 से अभी भी हम ये सोच रहे हैं कि 4 आना जो है आज़ादी हमें मिली है, अभी 75 पैसे हम गुलाम ही हैं। 75% जो आप कह रहे हैं, क्या देख रहे हैं 75% में? किस चीज़ को आप मानते हैं कि ये हमारे विपक्षी लोग हैं जो हमारे देश में अपने वोट के लिए किसी को भड़का करके हमारे कार्य को नुकसान कर रहे हैं, उनको अपने देश के साथ साथ देना चाहिए। विपक्ष में बैठे रहो, जो काम नहीं हो रहा उसके लिए, जो कार्य हो रहा है उसको भी रोकने की क्रिया करते हैं, ऐसा हमारे देश की जनता समझती है। हाँ, ये बताइए, राम मंदिर मिल गया है, ज्ञानवापी और कृष्ण जन्म स्थली, कब तक आप लोगों को उम्मीद है? जी, हमें मिल नहीं गया, ये हमारा था ही नहीं, समझ में आया? ये हमारे शांति का नाजायज फायदा उठाए। जैसे आप सो रहे हो और आपके अगल बगल कोई कुछ भी करके चले जाए चिड़क पिड़क करके, बस वही हाल हुई कि हमने इनको अपना समझा, ये अपनों तो हमारे साथ दिखाए नहीं। हाँ, उसका परिणाम ये भुगतेंगे। और कोई भी हाँ अन्याय जहाँ का तहाँ रहने दो, यहाँ का वहाँ करोगे तो हम परेशान हो जाएंगे। ये हमारे स्थान पे जहाँ का तहाँ नहीं रहने दिए, हमें यहाँ का वहाँ कर दिए। हाँ, इसलिए ये अब परेशान हो रहे हैं, और इनको परेशान होने की जरूरत नहीं, इनको हम सही मार्ग पे ले चलने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी हो, विश्व का कल्याण हो तो सिर्फ भारत से ही विश्व का कल्याण होता है, अन्यथा कहीं से कल्याण हुआ नहीं है। समझ में आया? हाँ, तो भारत की ही सभ्यता जो है, सांस्कृतिक जो है, वो पूरे विश्व में फैलता है, और इसी से हमारा सुचारू रूप से जागृति होता है और हम लोग सही चल पाते हैं। ये बताइए, ज्ञानवापी पे सर्वे रिपोर्ट आया है, जिसमें उस सर्वे में साफ साफ पता चल रहा है कि ये पहले मंदिर था, मस्जिद नहीं था, आप लोग इससे क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है, मेरा भारत जो है मंदिरों का देश है, नहीं समझ में आया? अच्छा, ये मंदिर जो है विश्व में प्रकाशित किया था, नहीं समझ में आया? और वो इसी रूप से प्रकाशित हैं, कुछ खलमंडली लोग हैं जिनको शोभा नहीं देता, घर में कई बच्चे होते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, एक ही बच्चा जो है सारे लोगों को परेशान कर देता है, बस यही बातें हैं और कोई बातें नहीं। अगर घर वाले चाह लेंगे तो परेशान नहीं होंगे और वो भी परेशान नहीं होगा, बस इतनी। अब हम चाह लिए हैं कि ना हम परेशान होंगे ना परेशान होने देंगे। अच्छा, नहीं समझ में आया? हाँ, ये बताइए, जैसे पहले से हिंदू अपनी मांग कर रहे थे कि हमारी मंदिर हमको दिया जाए, जबकि ये कन्फर्म था कि हमारा हमारा ही मंदिर है, तो इतना समय क्यों लग गया, आप लोग इससे क्या सोचते? नहीं, यहाँ हमारा की बात ही नहीं है, कुछ हमारे ऐसे कामी क्रोधी लोभी, जैसे लालच, पाप के बाप का नाम लालच, कुछ लालची हमारे भाई हैं। हाँ, समझ में आया? मतलब रावण की तरह हमारे भाई तो नहीं हो सकते वो, जैसे वो रावण में 4 भाई थे, तो एक भाई अपने प्राण बचाने के लिए विभीषण चले गए, कुलद्रोही माने गए, काम तो अच्छा किए। हाँ, तो
ऐसे हमारे लोगों में भी कुलद्रोही नहीं बनने के नाते इनको रख दिया, ऐसे पे कुलद्रोही नहीं बनना चाहिए, इनको इनकी जगह पे रहने देना चाहिए। जो आदमी गड़बड़ है, जहाँ हमारे को नुकसान कर रहा है, उस चीज़ को हम सुविधा से पूर्ण रूपेण सही करें। बस आज हम वही काम सही कर रहे हैं। वो ज्ञानवापी आप ये नहीं समझ रहे हैं, जिसका नाम ही ज्ञानवापी आप कह रहे हो, वो वहाँ मस्जिद का नाम कैसे आ सकता है? ज्ञान कोई उर्दू लफ्ज़ है? आप बताइए। अच्छा, उर्दू लफ्ज़ भी है तो हमारे सांस्कृति का एक तिनका है, मतलब भारत के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर जितने भी शब्द होंगे हमारी सांस्कृति का एक तिनका होगा, बोलो जय सीताराम। नहीं समझ रहे हो? उस तिनके से सभी लोग चल रहे हैं। हाँ, जैसे बाप के सभी बच्चे होते हैं, बोलो जय सीताराम, वैसे विश्व का यह पिता है भारत, जो मैं बोल रहा हूँ इसे सभी लोगों को सुनना और समझना चाहिए कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। हाँ, जो हो रहा है सो अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही होगा। क्या समझ रहे हैं? हाँ, ये सनातन का प्रचार नहीं, प्रसार नहीं, बोलो जो ये सनातन धर्म की जय जयकार है कलयुग में। हाँ, ये सनातन धर्म की जय जयकार होगा, क्योंकि इसमें कहा गया कलयुग सब नहीं आन जो नर कर विश्वास, इसमें एक धुन है आवाज़, वो आवाज़ का नाम है राम। अच्छा बाबा जी, ये बताइए धर्म और मजहब में क्या अंतर आप देख रहे हैं? भाषा है, भाषा है। धर्म हमारी जो है, मजहब नहीं, धर्म एक ऐसी चीज है, मजहब तो अलग करता है, बोलो जय सीताराम। धर्म अलग नहीं करता, धर्म जोड़ता है। मजहब मीन्स बांटना हो जाता है, धर्म मीन्स एकता हो जाती, एकाग्रता, वहाँ कुछ रह ही नहीं जाता। हाँ हाँ, शून्य से अनंत हैं, एक की कोई महत्व नहीं जब तक शून्य न लगे, बोलो जय सीताराम। बातें यहाँ ये है, धर्म जो है वो किसी को महत्व देता है। हाँ, और ये महत्व, मजहब महत्व विहीन करता है कि हम इस मजहब के हैं, आप उस मजहब के हो, ये तोड़ता है। मजहब नाम जो है ये तोड़ता है, धर्म नाम जो है जोड़ता है। हम जोड़ने वाले में से हैं, जुड़े हुए हैं, बोलो जय जय सीताराम, तोड़ने वाले में से नहीं है। टूटने पे फिर गांठ बन जाती है, बोलो जय जय सीताराम। अच्छा ये बताइए बाबा जी, जैसे मोदी जी 11 दिन का उपवास किए मंदिर के लिए, आप लोग मतलब इनके बारे में क्या सोचते हैं? मोदी जी, योगी जी तो ये प्रचलित हैं, इनको पूरी दुनिया जान रही है। हमारे 125 करोड़ जन जन का आशीर्वाद लोग अनंत दिनों से, मतलब हजारों हजारों बरस से वो जो है उपवास किए हैं हमारे राम के लिए, बोलो जय सीताराम। ये तो इनका एक ध्येय था, इनको जैसे किसी को अगुआ बनाने का कोशिश किया जाए, इस तरह से इनको एक अगुआ बनाया गया। कहते बिना सलही चोरी नहीं, बिना अगुआ शादी नहीं, एक अगुआ अगर करता इनको बनाया गया कि आप इसमें से श्रेष्ठ हैं, आप क्या कर। आई तो बहुत सरकारें, वो भी कर सकते थे, लेकिन वो क्यों नहीं किए? वो उनमें वो सीना नहीं थी, उनमें वो जान नहीं थी, उनमें वो त्याग नहीं था। ये सतियों का देश है, वीरों का देश है, समझ में आया? रावण जैसे दूसरे की पत्नियों और बहन बेटियों का नज़र डाल के देखने वालों का देश नहीं है, बोलो जय सीताराम। ये महापुरुषों का देश है, महासतियों का देश है। नहीं समझ में आया? हाँ, ये कहने की ये शब्दों से हम आपको कुछ भी बयान नहीं कर सकते, ये चीज़ें। अच्छा बाबा जी, ये बताइए जैसे राम के मतलब कार्यसेवकों पर गोलियाँ चली, राम भक्तों पर गोलियाँ चली, वही सपा के नेता कह रहे हैं कि ये जो चली थी गोलियां, ये कहीं ना कहीं संविधान बचाने के लिए चली थी, आप लोग इससे क्या? नहीं नहीं नहीं, संविधान को नष्ट अपने आप किसी को बचाने के लिए नहीं, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए। संविधान को नष्ट करने का ये गोली चलाने का मतलब था, संविधान को नष्ट करना, बोलो जय जय सीताराम। आज उनकी मटिया मेट हो गई, बोलो जय सीताराम। आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है, अगर सत्य काम करते तो उनका जय जयकार कार होता, बोलो जय सीताराम। आज योगी बाबा और मोदी बाबा का हर घर में नाम लिया जा रहा है, पूरे विश्व में। अखिलेश का और मायावती का पूरे विश्व में नाम जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है? ऐसे कर्म नहीं किए। सत्कर्म जो होता है बहुत बड़ी बात होती है भाई साहब, क्या समझे? हाँ, कोई यहाँ हीरो हीरोइन नहीं ना चाहते, बोलो जय सीताराम। अब आप मेरे से बात कर रहे हो, ऐसी कुछ बातें ना करो जिससे कि हम और ज़्यादा कुछ बोल जाएं भावुक होकर, क्योंकि आम मानव हैं हम, परमात्मा के तो है नहीं, लेकिन जो बातें अच्छी हैं वो चीज़ को आप नोट करिए। ये विपक्ष पर अगर ज़रा सा अपने आप को वास्तविकता विपक्ष का कार्य लड़े ना, जिसके लिए लड़ा जाता है ना, तो हमारा देश सोने की चिड़िया नहीं, सोने की हाथी नहीं, बोलो जय जय सीताराम। हाँ, ये सोने का, बोलो जय सीताराम, पूरा विश्व बना सकता है।
भारत में। ये बताइए कि जैसे सनातन धर्म को कई लोग कहते हैं कि डेंगू मलेरिया है, कई लोग सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं। मूर्खों की कोई सीन पूछ नहीं होता है। बातुल भूत बिवस मतवारे, ये नहीं बोले वचन संहारे, नहीं समझ में आया ना। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावें सेवा। जिसको अपने बड़ों का ख्याल नहीं कि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, ये हमारे माता पिता हैं, ये हमारी जो ये नहीं समझ सकता तो भगवान को कहाँ समझ पाएगा यार। आप थोड़ा सा अपने आप में विचार करो, आप कैसे हो, आप अपने लेके घूम रहे हो। जब आप अपने माता पिता को ही एग्जाम लेने लगो तो आप जैसा मूर्ख कौन है। आप अपने माता पिता को ही लाइफ कर दे रहे हो तो आप जैसा मूर्ख कौन है, बोलो जय सीताराम। निगेटिव एंड पॉजिटिव दो बातें होती हैं। निगेटिव पर्दे, एक पर्दे की चीज़ है, आप पर्दे को बेपर्दा कर रहे हो यार, कैसे आप इंसान हो बोलो। आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए, फिर भी आप जी रहे हो। मरोगे तो लेकिन कुत्ते की मौत मरोगे, मौत तुम्हारे अंदर नहीं। भारतीय लोग ये तो इच्छा मृत्यु प्राप्त करते थे। हमारे सनातन जो हमारे वास्तव में भारतीय हैं, वो जब चाहेंगे तभी अपने प्राण को त्यागेंगे। किसी के माई के लाल में ताकत नहीं है कि उनको कोई गोली बंदूक या कोई चीज आपको मार सके, बोलो जय सीताराम। बातें यहाँ आके रुकती है। हाँ, आप लोगों की मांग क्या है मोदी जी से? कोई मांग नहीं है हम लोगों की, बोलो जय सीताराम। हम लोगों की कोई मांग नहीं है, हम लोग तो प्रार्थना करते हैं भगवान की जय जयकार, बोलो जय जय सीताराम। हमारे पास तो सकल पदार्थ है जगमाही, हम लोग कर्म करने की बात करते हैं। हमारा मांग क्या है कि अपने कर्म को सही करो। आप जो चैनल चला रहे हो सही चलाओ, इसमें हमारी कोई वाणी आपको गलत लगती हो उसे मत मिसयूज कर दो, उसके दबा दो। जो आपको अच्छी लगती हो उसे उड़ाओ, पहुँचाओ लोगों तक, बोलो जय सीताराम। वो मैं कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, चारों शंकराचार्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंचे? यार ये तो गिनती करा के रख दिया गया है, शंकराचार्य रामानंदाचार्य। आज के डेट में वर्तमान में हमारे जगतगुरु रामभद्राचार्य के सिवा कोई नहीं। जैसे सूर्य एक है वैसे रामभद्राचार्य जी एक हैं। अच्छा। हाँ, पूरे भारत में मैं भ्रमण करने वाला साधु हूँ। पूरे भारत में हमने देखा तो भारत में जैसे उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, उससे बढ़ के कोई प्रदेश नहीं, बोलो जय सीताराम। हाँ, तो उस प्रदेश में वैसे एक जैसे माता पिता से बढ़कर कोई मान्यता नहीं, उनसे बढ़कर कोई चीज़ नहीं, उसी तरह से आज के डेट में रामभद्राचार्य से हम वर्ल्ड की बात नहीं करना, जहाँ रहता हूँ वहाँ की बात करता हूँ, बोलो जय सीताराम। तो हमारे रामभद्राचार्य से बढ़कर के कोई नहीं है, बोलो जय सीताराम। नहीं समझ में? बहुत बहुत